हो गए नगर निकाय चुनाव रद्द हो गए और बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे पर आमने सामने है बता रही है। बीजेपी विरोधी है नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे भाई। नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं बिहारी विरोधी है। पूरी बिहार की जनता के विरोध में निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री अगर कभी कोई इतिहास में होंगे तो वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। उनकी हर नीति हर फैसला बिहार की जनता के विरोध में ही रहता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो अगर भाजपा अगर उन पर आरोप लगा रही है, मैं तो कहूँगा भैया भाजपा से कि सिर्फ वो अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं, दलित विरोधी ही नहीं, पूरी बिहार की जनता के विरोध में। आज तक मुझे बता दीजिए ना भैया, मुख्यमंत्री जी ने बिहारियों के हित में कौन से कार्य किए, कौन से निर्णय लिए हैं जिससे बिहार का विकास हुआ हो या बिहार बनिस्पत बाकी राज्यों के बेहतर प्रदर्शन बिहार ने किया। और ये आंकड़े हम ही लोगों के नहीं है भैया, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि विकास के जितने मापदंड हो, भले वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर मापदंड में बिहार सबसे पिछले पायदान पर है। और अगले पायदान पे कब चला जाता है, जब बात होती है अपराध और भ्रष्टाचार की। तो यकीनन ये बातें जब उठ उठ कर आती हैं, युवा विरोधी नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या किए हैं भैया युवाओं के लिए आज तक। इन्होंने 2005 में कहा था कि मेरा सपना है कि बिहार से पलायन किए हुए जितने लोग हैं वो बिहार वापस आएँ। 2005 से आज तक जो मुख्यमंत्री पिछले 17 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो किसी दूसरे के सपने को क्या पूरा करेंगे। तो ये तमाम परिस्थितियाँ जिस तरीके से बिहार में उत्पन्न हो रही हैं, ये दर्शाता है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के नेतृत्व करते रहेंगे तब तक प्रदेश का विकास होने। भाई आप सबकी जानकारी में था है कि कल बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है। हमारे बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उल्लास पांडे जी के नेतृत्व में ये बैठक की गई है। इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इस जानकारी से आज या कल हम लोग बैठकर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मुझे अवगत कराया जाएगा, मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि क्या फैसले लिए गए हैं। और औपचारिक तौर पर उन फैसलों को केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी जब भेजा जा चुका है। बहरहाल आप सब जानते हैं कि कल मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की दूसरी पुण्यतिथि है, कल उनको गए हुए 2 साल हो जाएंगे। और ये 2 साल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे लिए मेरे परिवार के लिए कई मायनों में कठिन साल ये रहे, व्यक्तिगत तौर पर भी रहे, राजनीतिक तौर पर भी ये समय बहुत ज़्यादा कठिन रहा। पर बहरहाल मैंने मेरे नेता से बिहार की जनता से ये वादा किया था कि मैं उनकी प्रतिमा हमारे नेता की प्रतिमा जो हम सब के लिए आदर्श है और मैं मानता हूँ कि बिहार की ही नहीं देश की दुनिया की एक बड़ी आबादी है जो हमारे नेता पर विश्वास रखती है, उनके आदर्शों पर चलती है और चलना चाहती है। मैंने उनके प्रतीक को उनकी प्रतिमा को बिहार के हर एक ज़िले में लगाने का वादा बिहार की जनता से किया था। इसी क्रम में शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर में उनके जयंती दिवस से हम लोगों ने की थी, जब हाजीपुर में हम लोगों ने उनकी एक आदमकद प्रतिमा उनके जयंती दिवस पर हम लोगों ने लगाई। और उसी दिन इस बात की भी घोषणा की थी कि उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उनकी आदमकद प्रतिमा हमारे पैतृक गांव शहर बन्नी में हम लोग लगाएंगे। कल मैं मेरा पूरा परिवार मेरी तमाम बहनें मेरी माँ सब लोग हम लोग शहर बन्नी में हम लोग मौजूद रहेंगे, वहाँ पर उनकी ये प्रतिमा लगाई जाएगी। और इस दौरान बिहार के कई और ज़िलों में उनकी प्रतिमा लगी है और लगाई जाएगी। और यही निर्णय यही फैसला हम लोग देश भर में हम लोग उनकी प्रतिमा लगाने का हम लोग लेने जा रहे हैं। आगामी 17 अक्टूबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक दिल्ली में आयोजित की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। 17 अक्टूबर को हम लोग ये बैठक आयोजित करेंगे जिसमें ये फैसला भी लिया जाएगा कि देश के हर एक प्रदेश में उनकी ऐसी ही आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। कई राज्यों में उनकी प्रतिमा लगभग बन के तैयार है, जगह का भी चयन हम लोगों ने कर लिया है। तो
तो उनकी ये प्रतिमा लगे। ये जिम्मेदारी देखिए, प्रतिमा लगाना महज किसी को सम्मान देने मात्र भर ही सीमित नहीं रहता। प्रतिमा जब लगती है तो आने वाली पीढ़ी उस प्रतिमा को देखकर उनसे सीख लेती है, उनके किए गए कार्य को याद करती है। मैंने ये उम्मीद की थी कि संभवतः राज्य सरकार, भाई हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक, मेरे पिता हैं मैं इसलिए नहीं बोल रहा पर हकीकत है, हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी रहे। दो दो बार उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जयप्रकाश जी के साथ जिस तरीके से छात्र आंदोलन को उन्होंने बल देने का काम किया, समाजवाद के तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पृष्ठभूमि को मजबूत करने का काम उन्होंने किया, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया, और जिस जिस विभाग में गए भैया उस विभाग के माध्यम से देश के ही, बिहार के ही नहीं, देश के गरीब वंचित शोषित लोगों के लिए उन्होंने निरंतर काम करने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके लिए कुछ उनको सम्मान देने के लिए करते। अगर वो स्मारक नहीं भी अगर उनके लिए बना पाते, उनके नाम पर कोई घोषणा नहीं भी कर पाते, तो कम से कम उनकी एक प्रतिमा बिहार में वो ज़रूर लगाने का काम करते। पर जिस तरीके से राज्य सरकार ने पूरी तरीके से उदासीन रवैया दिखाने का काम किया हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति, इससे हमारे नेता के समर्थकों में एक घोर निराशा है। और इसीलिए उनके जाने के बाद भैया साल डेढ़ साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया कि राज्य सरकार कुछ करेगी, पर जब इन लोगों ने नहीं किया तो ये फैसला उनकी प्रतिमा हर एक जगह लगाने का हम लोगों ने किया। इसी क्रम में कल हम लोग शहर बन्नी में प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। और जो सवाल आपने किया कि भाई चुनाव को लेकर कल के बाद बैठकर संसदीय बोर्ड के साथ उन्होंने क्या फैसले लिए हैं, उसके ऊपर औपचारिक चर्चा करके विधिवत चुनाव को लेकर घोषणा की जाएगी। भाई जैसा मैंने कहा कि औपचारिक